Om Namah Siddhaya. Om Namah Siddhaya. Om Namah Siddhaya. Om Shuddhatmane Namah. नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सौवसाहूणं गुणभयनंदिं सुदसायर अरगिंदनंदि गुरुं वरवीरनंदिनाहं पयडीनं पर्चयं ओचं। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है। उसके टीकाओं के आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड भाषा टीका ढूंढारी भाषा में लिखी है और उसका हिंदी अनुवाद हम यहाँ देख रहे थे। कर्मकांड के जो आश्रव अधिकार के प्रकरण में हम यहाँ हमने आश्रवों के भेद देखे थे, मूल प्रत्यय और उत्तर प्रत्यय, उसको नाना जीवों की अपेक्षा हमने गुणस्थानों में और मार्गणास्थानों में देख लिया था। जब एक जीव की बात आती है, एक जीव की अपेक्षा बात आती है, तो हमने उसमें स्थान देखे, स्थानों के प्रकार देखे, उसके बाद कूट कैसे बनाने प्रत्येक गुणस्थान के उसकी बात देखी, और कूट का उच्चारण कैसे करना वो भी देखा, क्योंकि वहाँ कैसे कहाँ कितने भंग होते हैं, उसको कैसा किसका नंबरिंग कैसे करना और उसको कथन कैसे करना, यानी उसके अक्ष कैसे बनाना, उसमें अक्ष परिवर्तन कैसे करना, वो सारी बातें हमने देखी थी। अब इसमें प्रत्येक में कितने कितने भंग होते हैं उसकी यहाँ बात चलेगी। अब उसका जो प्रकरण है 701 पृष्ठ से शुरुआत हो जाती है। इसको कहते हैं भंगानयन, भंगों को लाना। अभी तो हम तो डायरेक्ट हम कूट का उच्चार करते करते पहले इसके इतने भंग हो गए, फिर इतने भंग हो गए, फिर टोटल इतने हो गए, इस तरह से निकालते थे। उन्होंने केवल एक ही कूट का उच्चारण कैसे करना वो बताया था, पर टोटल कितने भंग होते हैं उसकी बात वहाँ उन्होंने बताई नहीं थी। समझ में आई ना बात? ये टोटल कितने होते हैं वो आपको हमको लाना है। ये उच्चारण उन्होंने एक पर बताया, पर हमने अलग अलग करके देखे थे कि कैसे उच्चारण हो सकते हैं, परंतु उसकी टोटल भंगों की संख्या लाना है तो डायरेक्ट उसके लिए कैसे कैसे फॉर्मूला होते हैं उसकी बात हम देखेंगे। वैसे तो हमें मालूम है कैसे लाते हैं, जैसे प्रमाद के कथन में प्रमाद के मूल भेद कितने होते हैं, जैसे विकथा होती है, विकथा कितनी होती है, चार, स्थूल रूप से। हाँ, फिर कषाय वाले, उसमें भी हमने अक्ष बनाए थे, पहला विकथा वाला अक्ष, फिर कषाय वाला, उसमें भी चार कषाय है। वहाँ इंद्रिय सामान्य से तो पांच लेते हैं, वहाँ पर मन को वह डिटेल में लेना है तो मन को लेते हैं, और स्नेह और निद्रा तो एक एक ही भंग होता है, तो उसके टोटल कितने हो गए, चार गुना पाँच, 80 भेद होते हैं ना प्रमाद के, और 80 के नंबरिंग भी हम कर सकते, पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, ये स्थूल रूप से हमने देखे थे। वैसे आप ये नवकार गिनते हैं कितने बार, उसके भंग बताओ, उसके टोटल बताओ, कैसे कैसे लाते, बोलो बेटा। अरे अरे गिनते हो ना 108 बार, क्यों गिनते हो? और क्या सुनो, मन वचन का है कृत कार्य, सुनो ये लोगों को लिखना है, मन वचन काय के तीन मल्टीप्लाइड बाय कृतकारिता अनुमोदना के तीन मल्टीप्लाइड बाय क्रोध मान माया लोभ ने चार मल्टीप्लाई बाय संरंभ समारंभ और आरंभ। ये क्या बला होती है मालूम नहीं, करते तो रहते हैं, उसको नाम दिया तो कठिन लगता है ना। जैसे कोई गेस्ट आने वाले हैं तो क्या करते, मन में सब चलते ही रहते बात, क्या क्या लाना है, क्या क्या करना है, वो क्या होगा, संरंभ चलता है, समारंभ में सब इकट्ठे करना है, उसमें जुट जाते हैं, या विकल्पों में, अभी हमको विकल्पों में ही लेना है, और आरंभ में डायरेक्ट आरंभ में जुट जाते हैं,
तो ऐसे तीन, इस तरह से कितने होते हैं 108। ये करने के लिए नहीं, इसका त्याग करने के लिए बताया है। यानी इतने पूर्वक हम भगवान का नाम भी लेते हैं ना। हाँ, यानी ये भंग लाने के प्रकार होते हैं। ऐसे भी हमने इतने सारे अक्षर देखे, मिथ्यात्व के 5 प्रकार है, वो इंद्रिय अविरति के इतने हैं, फिर इतने भंग है, कहीं तो भंग है और कितने तो प्रकार है, इसलिए उसका कुछ अलग से हिसाब यहाँ होना चाहिए। तो ये भंग लाने का जो विधान है उसको कहेंगे या भंगानयन। ये जो 701 पृष्ठ पर शुरुआत होती है, भंग को लाना, भंगों की संख्या को लाना, ये भंगानयन। नयन नहीं, वो आंखों में आनयन, उसका लाना। हम ला रहे नहीं थे, हम उच्चारण देख रहे थे, पर हमने उसमें वो भंग कितने होते उसकी पॉसिबिलिटी देख ली थी, पर टोटल हमने नहीं गिनाए थे, हमने केवल एक कूट के देखे थे। वो कितने लाए थे? 453,600। हमने बोला था इसे 4 को गुना करना पड़ेगा, उसके बाद वो खाली रहित वाले हुए थे। सहित वाले में वहाँ 10 से गुना किया, वहाँ तो 13 से गुना करना पड़ेगा, उसको भी 4 से गुना और करना पड़ेगा। वो तो बातें हमने देखी नहीं थी वहाँ पर। अब यहाँ पर टोटल हम लाने की कोशिश करेंगे। अब उसके लिए पहले गाथा पढ़ते हैं 796 नंबर की। अनरहित सहित कूड़े बावत्तरी सय सयान ते नहुदी सठी धुआं मिच्छे भय दुग संजोग जा अधुआ। अब इसका अर्थ देखते हैं। मिथ्यात्वादिकों की संख्या को, मिथ्यात्वादिक यानी मिथ्यात्व 5 प्रकार के है, इंद्रिय विरति 6 प्रकार के, इस तरह से आदिक में लेना, परस्पर गुणा करने पर जो प्रमाण होता है, यानी अभी हमने जितने सारे जो एक एक अक्ष में जो इतनी संख्या है ना, इनको परस्पर गुणा करने से जो प्रमाण होता है, वही वैसा ही वही प्रमाण अक्ष संचार द्वारा भंगों का प्रमाण होता है। अभी हमने अक्ष संचार करके आपको दिखाया था, जैसे एकांत मिथ्यात्व पर वो अक्ष रखा था, स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत पर रखा था, पृथ्वी काय के हिंसक पर रखा था, और वो 3 क्रोध वाला दिया था, और फिर नपुसक वेदी और हास्यरति वाला और सत्य मनोयोगी। तो उसके बाद हमने दूसरा भंग वो पृथ्वी का एक बदले चल के लिया, ऐसे 6 हो गए, फिर भी द्विसंयोगी वगैरह, इस तरह से हमने वो जो 63 भंग देखे थे, ये सारे हमने कैसे अक्ष संचार द्वारा हमने भंग लाए थे। और खाली एक मिथ्या यानी अनंतानुबंधी रहित वाले और भय जुगुप्सा रहित वाले कूट में हमने इतने 453,600 भंग देखे थे। वो तो एक कूट में हुए थे, है ना? ऐसे तो 4 कूट बनते थे, एक भय का, एक जुगुप्सा का अलग, और भय जुगुप्सा दोनों का अलग से। तो इसलिए ये तो उसमें हमने वो पद्धति देखी कैसे लाना है, वो हमने अक्ष संचार के द्वारा लाए थे। अब यहाँ कहते इसलिए मिथ्यात्व गुणस्थान में अनंतानुबंधी रहित कूटों में तो अभी कितने कितने हो गए? मिथ्यात्व 5 प्रकार के, इंद्रिय 6 कहने से 5 इंद्रिय और मन, कषायत्रिक 4, यानी त्रिक यानी 3 प्रकार के क्रोध, 3 प्रकार के मान, 3 प्रकार के माया, 3 प्रकार के लोभ, ये 4 हुए, 4 हो गए ना उसके। वेद 3, नपुसक वेद, श्री वेद और पुरुष वेद। हास्यवा रति युगल 2, यानी हास्य रति या रति शोक। योग 10, ये रहित वाली बात है ना, अनंतानुबंधी रहित वाली बात चल रही थी। इनको परस्पर गुणा करने पर 7200 होते हैं। इसमें क्या छोड़ा? वो 63 वाले छोड़े थे, इसको 63 से यहाँ गुणा नहीं किया है, केवल वहाँ कितने लिए हैं? 7200 लिए थे। हाँ, पुनश्च अनंतानुबंधी सहित कूट में, यानी जहाँ अधिक भंग होते कहाँ होते? भय जुगुप्सा में 4 हो सकते भंग, और काय हिंसा में 63 हो सकते भंग। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ, जहाँ अधिक भंग होते हैं उसको नहीं लिया, क्योंकि वो अध्रुव है, और जो फिक्स संख्या है उसको लिया। मिथ्यात्वादी 5 तो फिक्स है, उसको लिया। कषाय के 4 अले क्रोध या मान या माया लोग, उसको लिया, वो फिक्स है, उसको 4 लिया। वेद 3 होगा, उसको 3 लिया। यानी पहले मिथ्यात्व 5 लिए, इंद्रिय संबंधी 6 लिए, वो भी फिक्स है। हाँ, अभी काय हिंसा के
वो भंग होते हैं, उसको नहीं लिया। फिर कषाय के चार प्रकार होते ना, क्रोध मान माया लोभ, उसको लिया। यहाँ चार लिए ना, वो तीन क्रोधाधिक है पर उसके प्रकार चार है ना, तीन क्रोधाधिक, तीन मानाधिक, तीन दिक नहीं, तीन क्रोध, तीन मान, तीन माया, तीन लोभ, ये चार हुए। और फिर तीन वेद अलग अलग, सेकंड लाइन में देखो ना, वहाँ पर पुस्तक में पढ़ना है आपको। फिर दो यानी क्या है, युगल, और दस क्या है, योग, वो रहित वाले थे। इनको परस्पर गुणा करने पर 7200 होते हैं। इनमें क्या छोड़ा, जो भंग वाली जो बातें हैं, 63 भी भंग होते हैं और ऊपर भय जुगुप्सा के चार भंग होंगे, जीरो वाला, भय वाला, जुगुप्सा वाला और भय जुगुप्सा वाला। यहाँ तक समझ में आई बात? तो इनके कितने, 7200 हो गए। पुनश्च अनंतानुबंधी सहित कूट में, उसमें भी वो जो भंग वाले उसको छोड़कर जो ध्रुव चीज है उसको पहले ले लेंगे। मिथ्या तो 5, इंद्रिय 6 ने, 5 इंद्रिय मन संबंधी जो अविरति चल रही है। कषाय चतुष्क 4, वहाँ कषाय त्रिक 4 लिए थे, वहाँ चतुष्क 4 लेना। भंगम की संख्या तो वैसे ही 4 में ही गुणा करने से आ गई। वेद 3, हास्य रति युगल 2, यहाँ योग 13 लेना, वहाँ हमने 10 योग लिए, यहाँ 13 लिए थे। अब इसको परस्पर गुणा किया, हमने क्या किया है, वो भंग कहाँ पड़ते हैं, भयजुगुप्सा में पड़ते हैं और काय हिंसा में पड़ते हैं, उसको यहाँ अलग से रखा है, उसको बाद में गुणा करेंगे। तो 5 इंद्रिय वाले 5 लिया, 6 काय लिया, 5 तो मिथ्यात्व के लिए और 6 तो इंद्रियों के लिए, 4 कषाय के लिए लिए, 3 वेद के लिए, 2 युगल के लिए और 13 योग के लिए। इनको परस्पर गुणा करने पर 9360 होते हैं, यानी 9360, और पहले कितने थे, 7200, दोनों को मिलाने पर 16560 तो ध्रुव गुण्य हुए। ये ध्रुव क्यों कहा, मिथ्यात्व के 5 फिक्स है, उसमें भंग नहीं पड़ते। 6 संबंधी इंद्रिय संबंधी वो तो 6 फिक्स है, 4 प्रकार के जो कषा है वो 4 फिक्स है, 3 प्रकार के वेद वो 3 फिक्स है, इसलिए जो फिक्स है वो ध्रुव गुण्य कहा। उसको भी गुणकार में ही लेना है, परंतु वो भंगों के गुणकार अलग लेना और इसके गुणकार अलग लेना है, तो इसको ध्रुव गुण्य कहा। अब कहते एक एक के प्रति, यानी वो कितने टोटल हो गए इसके, सहित और रहित मिलके 16560। अभी इसको क्या करना उसको देखेंगे। पुनश्च एक एक के प्रति भय जुगुप्सा रहित, वो एक पहला एक कूट हुआ, भय सहित दूसरा हुआ, जुगुप्सा सहित तीसरा हुआ, और भय जुगुप्सा सहित ये 4 भंग पाए जाते हैं। ये तो समझ में आई बस, हमने भी पहले निकाले थे तब बताया था इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा। अब काय हिंसा के 63 भंग पाए जाते हैं, इसलिए 4 और 63 अध्रुव गुणकार है। अध्रुव क्यों कहा, वो तो उसके भंग चेंज होते हैं कहीं पर के, इसलिए उसको पहला कौन सा था, ध्रुव गुण्य, गुण्य ने जिसको गुणा करना है, गुणकार ने जिससे गुणा करेंगे वो मिलकर वो जो टोटल आएगी उतने तो टोटल भंग हो जाएंगे। उस ध्रुव गुण्य को 4 से तथा 63 से गुणा करने पर मिथ्यात् गुण स्थान में सब प्रत्यय भंग, प्रत्यय भंग ने प्रत्ययों के सब टोटल भंग, टोटल वेरिएशंस 41,73,120 होते हैं। हाँ, पहले गुणस्थान में मिथ्या यानी अनंतानुबंधी सहित रहित सब मिलकर। हाँ, यहाँ मिथ्यात्वादी में तो एक एक ही अवश्य निश्चल होता है, इसलिए ध्रुव संज्ञा कही। भयद्विक यानी भय जुगुप्सा और काय हिंसा में कदाचित कुछ, कदाचित कुछ चल रूप पाए जाते, चल रूप यानी बदलते रहते हैं, जैसे एकांत पर कायम रखा और फिर बाद में हमने बाकी बदलाए, वैसे वहाँ तो ये बीच वाले जो चल रूप है वो जल्दी जल्दी बदलते रहते उसमें, इसलिए ध्रुव संज्ञा नहीं कही। अब हमको यहाँ देखना है एक कैसे लाना इसको, ये ध्रुव गुण्य क्या होता है और अध्रुव गुणकार क्या होता है। जहाँ हमने भंग निकाले थे, भंग किस में निकाले थे, काय हिंसा में देखे थे हमने, देखे ना काय हिंसा में कैसा लेना, एक काय की हिंसा या दो काय की या तीन काय की या चार काय की या पाँच काय की या छः काय की, उसमें हमने भंग कैसे कैसे लाए थे,
प्रत्येक भंग द्विसंयोगी भंग त्रिसंयोगी चतुस्संयोगी पंचसंयोगी और छह संयोगी करके सबकी टोटल हमने 63 लाई थी। उसके लिए भी बहुत मेहनत की थी, है ना। तो ये जो 63 जो संख्या है उसको क्या कहेंगे, अध्रुव गुणकार, क्योंकि वो चेंज होते रहते उसलिए उसको अध्रुव कहा। और कहाँ होगा ये भंग, कहाँ पड़ेंगे, भय जुगुप्सा में, क्योंकि वो तो भय जुगुप्सा दोनों नहीं होंगे, या एक भंग भय होगा या जुगुप्सा होगी या भय, वो भी पलटते रहते अंतर्मुत अंतर में, वो फिक्स नहीं रहेंगे। हाँ ये तो बाकी तो कुछ काल के लिए तो फिक्स रहेंगे, या हम उसको फिक्स करके बाकी की चेंजेस उसको देख देख सकते। इसलिए भंगों की संख्या कहाँ होती है, 63 भंग वो काय हिंसा में हो गए और भय जुगुप्सा में 4 भंग हो गए। इसको पहले बाकी भंग लाकर उससे हमको गुणा करना है, इसलिए उसको अध्रुव गुणकार कहा, यानी उससे गुणा करना। और पहले जो हमने लिए थे जो ध्रुव संख्या है उसका परस्पर गुणा करके जो संख्या लाएगी तो उसको कहेंगे ध्रुव गुण्य। अब यहाँ पढ़ते हम, अब लेना है आपको 11 नंबर का चार्ट लेना है। आप निकालो 11 नंबर का चार्ट, उसमें कोई आपको सुधार करना है। ये जो प्रूफ रीडिंग में कुछ रह गया है यहाँ पर, यह मिथ्यात्व के नीचे 5 संख्या डालो अपने अपने चार्ट में, वो गलती से 6 छप गया है उसको 5 करना, क्योंकि मिथ्या तो 5 ही प्रकार के होते हैं ना। हाँ देखो, जैसे हमने अक्ष लिखे थे, अब यहाँ एक लाइन में हम सब लिख रहे हैं। ये तो ऐसा कथन तो पुस्तक में नहीं, ये समझने के लिए मैंने ऐसा बनवाया है चार्ट बनवाते समय। तो मिथ्यात्व के कितने हैं, जैसे पहला अक्ष था नीचे का उसमें 5 प्रकार थे, वो इंद्रिय असंयम के स्पर्शन इंद्रिय रसन इंद्रिय वगैरह मन 6 थे, और इसमें हमने 63 भंग निकाले थे। किसमें, काय हिंसा के 63 भंग थे अलग अलग, इसलिए हमने 63 भंग लिख दिए। अब यहाँ कषाय के 4, क्रोध मान माया लोभ इस तरह से 4 हो जाते हैं ना उसमें। वेद के 3, कौन से 3, नपुसक वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, और युगल 2, हास्य रत्य अरति शोक। योग 10, कौन सा है यहाँ पर, वो तो रहित वाला है, अनंतानुबंधी रहित में 10 से गुणा करेंगे तो 10 योग यहाँ लिए। तो और ये भय जुगुप्सा के 4 भंग होते, ये जो भंग और भंग है उसको अलग रखो, जो भंग है उसके बाद हम बाद में उसको गुणा करेंगे, बाकी जो ध्रुव रूप है उसके पहले गुणा कर दो। तभी मिथ्यात्व में सहित भी वाले रहित भी वाले हैं, तो उसमें पहले रहित वालों की संख्या पहले लगा निकालो, फिर सहित वालों की। डिफरेंस कहाँ है, योगों में, समझ में आती है ना। तो अभी हम अनंतानुबंधी रहित में ध्रुव गुण्य कहेंगे, भंग वाली संख्या को छोड़ो, बाकी की जो है उसको हम कहेंगे ध्रुव गुण्य। तो उसमें क्या लेना है, मिथ्यात्व के 5 है, इसको 5 रखा। असंयम पहले इंद्रिय असंयम के 6 है, उसको 6 रखा। फिर कषाय 4 है, क्रोधमान माया लोभ, उसको यहाँ लिखा। आप कहेंगे वो रहित वाले है, उसको 4 क्यों लिया, रहित वाले हैं ना, क्या 3 प्रकार है, पर 3 प्रकार के क्रोध या मान या माया या लोभ, इसलिए 4 लिखा, क्योंकि यहाँ पर भी 4 लिखा है रहित में, यहाँ पर भी सहित में भी 4, पर वो 3 सहित थे, ये 4 सहित वाले, पर 4 भेद है ना उसके, इसलिए 4 लिखा। ये कषाय के 4 लिखे, वेद 3 प्रकार है, वो वेद के 3 लिखे, और युगल 2 है, इसको लिए, और योग यहाँ पर 10 योग है, यहाँ पर लिए। ये किसके, ये 10 योग कहाँ पर है, रहित वाले के थे, सहित वाले के 13 हो जाएंगे। तो ये पहले हमने बताने के लिए पहले रहित वाले को यहाँ बता दिया था, तो उसके निकालना है ये कितने लिए हमने, 7200। क्या छोड़ा, 63 को भी छोड़ा जो भंग वाली चीज़ है, और वो 4 को भी छोड़ा, वो बाद में हम इसको यहाँ लेने वाले, वो बाद में डायरेक्ट उसको गुणा करेंगे। पर ये तो रहित वाले ये हो गए इतने 7200। अब सहित वालों को लेना है, जो 7200 वो फिगर को क्या बोलेंगे आप, कहीं नहीं उसके, अभी ये टोटल भंग कितने आए हैं, ये भंग, पर ये टोटल भंग अभी तक नहीं हुए, उसमें और भी उसके मल्टीप्लीकेशन बाकी है। ये अनंतानुबंधी रहित में ध्रुव गुण्य का प्रमाण इतना आया है, अभी टोटल भंग नहीं आए हैं, ध्रुव गुण्य कहेंगे इसको, अध्रुव गुणकार अभी आना बाकी है। हाँ अध्रुव यानी जो चेंज होता है उसको अध्रुव कहेंगे।
अब अनंतानुबंधी सहित वाला लेना है। सहित में क्या होगा, मिथ्या तो पांच है, वो इंद्रिय संबंधी छह है, कषाय ने क्रोधमान माया लोभ चार है, फिर वेद तीन है, युगल दो है, डिफरेंस कहाँ है, योग में है, क्योंकि यहाँ मिश्र ने कारमान और दो मिश्र भी ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ 13 से गुणकार करना। ये 7200 थे, ये 9360 हो जाते हैं, तो इन सब की टोटल कितनी हुई, 16560। यहाँ तक समझे? अभी हमने क्या छोड़ा था, ये 63 भंग भी छोड़े थे और ये चार भी भंग, जैसे हमने पहले जिस पद्धति से निकाला था उसमें हमने वो 453,000 और को कहाँ कहाँ तक आके रुके थे ना, कितने आए थे, हाँ 453,600, उसको मैंने बोला था चार से गुना करो, क्योंकि हमने वो 63 से पहले गुना कर चुके थे ना, इसलिए वहाँ ये चार से गुना करना हमने बोला था। अब यहाँ अलग पद्धति से, पहले ध्रुव को गुना करके बाद में अग्रध्रुव से गुना करेंगे, तो पहले हमने दोनों के लिए, दोनों के ध्रुव गुण्य एक साथ ले लिए, कितने आए 16560। अब 16560 को अध्रुव गुणकार ने 63 और 4 से गुणा करना, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हमने लिख दिया है, तो कुल भंग कितना है 16560 मल्टीप्लाइड बाय 63 मल्टीप्लाइड बाय 4, टोटल कितने आते हैं 41,73,120। आपने, आप कहेंगे हमने जो निकाला था वो उसमें कैसे लाएंगे, तो उसमें हमने क्या निकाला था आपको याद है, हाँ हाँ, वो 453,000 और 600 था ना, उसमें भय जुगुप्सा से 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 18,14,400 निकाला आपने। हाँ ये तो रहित वाले थे, अब सहित वाले में क्या करना पड़ेगा, नहीं वो 45,360 था आपको याद होगा, निकालो पेज नंबर आपका 701 निकालो। किसी भी प्रकार से क्यों ना लो, उत्तर तो वही आना चाहिए हमें, है ना, तो 701 पेज पर पहले पैराग्राफ में क्या निकला था 45,360 और उसको हमने 10 योग से गुणा किया था। अब यहाँ 45,360 को 13 से गुणा करो तो क्या आएगा, हाँ 589,680, इसको और 4 से गुणा करो कितना आएगा 23,58,720। यहाँ तक आ गए, अब पहले कितने आए थे 18,14,400 प्लस 23,58,720, टोटल आ जाएगी जो यहाँ लिखी है 41,73,120। फिर से 701 पेज पर हम थे, तीसरी लाइन में हमने कितने भंग निकाले 45,360, वहाँ पर हमने 10 योगों से गुणा किया था तो कितनी संख्या आएगी, उसको एक जीरो और बढ़ा दो 453,600। यहाँ तक भाई, पर उसमें हमने ये तो भाई जुगुप्सा के 4 से गुणा करना था, अगर उसको 4 से गुणा करते हैं तो वहाँ की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 18,14,400। लिखना है तो लिख लो 453,600 गुणा 4 तो संख्या कितनी आती है 18,14,400। यहाँ तक समझे? अब ये तो रहित वाले हो गए, रहित वाले 4 फुट हुए भाई जुगुप्सा सहित। यहाँ तक समझे नहीं समझे, क्या क्या प्रश्न है, कुछ नहीं। अब सहित वाले को देखना है, सहित वाले ने भी वो क्या लेना है 45,360। अब यहाँ योग कितने हैं 13, तो 45,360 को 13 से गुणा करो, अब लिख लो 589,89,680 बराबर
589680 इंटू फोर करना है, क्योंकि भैजू गुप्सा के चार भंग होते हैं, उसकी संख्या कितनी आती है 23,58,720। अब पहले रहित वाले थे और ये सहित वाले हैं, पहले 18,14,400 थे, अब 23,58,720 हुए, अब सबकी टोटल कितनी हो गई तो 41,73,120। और अभी जो हमने चार्ट यहाँ लिखा है उसमें कितने हैं, अरे पहले हमने किसी को किसी से गुणा किया, यहाँ कब किसी से किसी को, पर टोटल तो उतने आने चाहिए कि नहीं चाहिए, तो हमने जो बोला था उसको चार से गुणा करना था, वो बराबर आया ना, टैली तो होगा कि नहीं हुआ। तो इस तरह से मिथ्यात्व के इतने आश्रमों के प्रकार कितने, 41,73,120 प्रकार हो जाएंगे, इतने भंग हो गए, इतने विविध प्रकार एक एक समय में एक एक काल में किसी के हो सकते हैं, एक जीव के अलग अलग कालों में अनेक जीवों के किसी एक काल में हो सकते हैं। ये इसको कहेंगे वो भंगानयन, भंग को कैसे लाना, इसको कहेंगे भंगानयन। इसमें क्या किसी को कोई प्रश्न है तो पूछना, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। कौन, हाँ जरा सुनो, हाँ आप क्या प्रश्न है रिपीट करो। नहीं, आपका ये प्रश्न है जो इंद्रियों के विषय की बात है, इंद्रियों का लोलुपी, उसमें भी उपयोग घूमता है तो उसमें भी घूमेगा, बिल्कुल घूमेगा, परंतु उसमें अंतर्मूर्त, अंतर्मूर्त में एक विषय का होता है तभी तो उसका ग्रहण होता है, उसके जो कुछ है लोलुपता होती है, अंतर्मूर्त होगा है ना, वैसे जो बाकी जो होते हैं ना तो उसमें तो परिणाम फास्ट बदलते हैं, या जहाँ भंग होते हैं उसके लिए उसको अध्रुव कह दिया, इन्हें उपयोग पलटने की अपेक्षा भी मत लेना यहाँ पर, क्योंकि ऊपर भी अध्रुव जो लिया है ना भैजू गुप्सा के भंग, वो भी अंतर्मूर्त में रहेगी ही रहेगी, परंतु वो चेंज होते रहते उस अपेक्षा से उसको नहीं, जहाँ अधिक भंग है इसलिए उसको अध्रुव कहा, वैसे कहना तो हमको मल्टीप्लाई ही करना है, ये ध्रुव हो या अध्रुव हो हमको तो गुणा ही करना है, परंतु वो भंगों की बात है इसलिए उसको अध्रुव कहा, और जो फिक्स उसके प्रमाण है जैसे मिथ्यात्व के पांच ही भेद है, वो कषायों के चार ही प्रकार है, इसलिए उसको फिक्स कहा, अध्रुव कहा, और ये बदलते बदलने वाले जो है उसको भंगों में जो उसको लाना है उसकी बात उसको अध्रुव कहा। कहना तो सबका गुणकार ही है, जैसे पाँच से गुणा करो, अब बीच में हम उसको 63 से गुणा करो कहते तो भी वही बात आने वाली थी, समझ में आती है ना बात, हाँ केवल योग का डिफरेंस था सहित और रहित वाले में, बाद में भी उसको गुणा कर सकते थे, यानी हम इसको ऐसा भी ले सकते थे ना, देखो यहाँ हमने देखा ना मिथ्यात्व के पाँच लिए और यहाँ 6 लिए थे, और 6 के बाद यहाँ 63 भी ले सकते थे इस तरह से, बाद में उसको गुणा किया इसलिए उसके बदले उसमें गुणा कर सकते थे, परंतु ये तो ये निकालने की पद्धति है ना, जहाँ भंग अधिक बनते हैं उसको अलग से गुणा कर दिया, आप पहले गुणा करो और बाद में गुणा करो, बात तो एक ही एक रहने वाली है। हाँ क्या कहते हैं, देखो यहाँ क्या लिखा है 702 पेज पर, वो टोटल प्रत्यय भंग कितने आए 41,73,120, उसके आगे का वाक्य, यहाँ मिथ्यात्वादी में तो एक एक ही अवश्य निश्चल होता है इसलिए ध्रुव संज्ञा कही, और भयद्विक और काय हिंसा में कदाचित कुछ चल रूप पाए जाते हैं इसलिए ध्रुव संज्ञा नहीं कही, यानी वो जल्दी जल्दी बदलते इसलिए उसको ध्रुव संज्ञा नहीं कही। अब ये मिथ्यात्व के हमने भंग लाए, टोटल मिथ्यात्व गुणस्थान के टोटल भंग बताए, अभी ऐसे ही सासाधन में भंग लाने पड़ेंगे, हरे गुणस्थान के भंग हो गए। हाँ प्रश्न है कुछ, हाँ
चेंज करो आप, हम पढ़ेंगे पुस्तक में से पहले, आगे बढ़ेंगे ना। तो सासागन का जो पहला अक्ष है उसका नाम क्या है? यहाँ मिथ्या तो नहीं होगा, क्योंकि कूट भी बनाए थे तो इंद्रिय से शुरुआत हुई। तो अभी इसमें क्या क्या लिखेंगे, पहले मिथ्यात्व वाला कॉलम नहीं लिखेंगे। तो मिथ्यात्व के बदले कहाँ से शुरुआत होता है? पहला अक्ष होगा इंद्रिय वाला, दूसरा अक्ष होगा काय हिंसा का, दूसरा अक्ष काय हिंसा का, तीसरा अक्ष होगा तशाय का, चौथा अक्ष होगा वेद का, फिर युगल का, उसके बाद योग का, और फिर भय जुगुप्सा वाले। समझ में है ना? तो इसमें कहाँ कहाँ डिफरेंस होगा? मिथ्या तो है ही नहीं है, और कषाय में क्या क्या लेना? चार 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 चार, पर भंग लाने के लिए उसको चार ही कहना पड़ेगा, क्योंकि चार है ना, क्रोध मान माया लोभ, ऐसा लेना। चार प्रकार के क्रोध है, परंतु मान भी चार प्रकार के, इसलिए क्रोध मान माया लोभ ऐसे चार लेना पड़ेगा। तो उसमें अभी हम पढ़ते, देखो 702 पेज है। सासादन में छह इंद्रिय, चार कषाय जाति यानी क्रोध मान माया और लोभ, ऐसे चार लेना, तीन वेद, दो युगल, वैकृत मिश्र बिना बारह योग। देखो पहले बारह योग को अलग लिया और वैकृत मिश्र को अलग लेंगे, हमने देखा क्यों, क्योंकि वैकृत मिश्र में सासादन में वैकृत मिश्र में जाने वाला देव में जा रहा है। सासादन के साथ कोई मरकर नरक में नहीं जाता, ये नियम है। नरक में कोई सासादन प्राप्त कर सकता है, और छठे नरक के नारकी तक के जीव सासादन के साथ ऊपर मनुष्य 3 इंच में भी आ सकते हैं। परंतु यहाँ बात किसकी है? वैकृत मिश्र का योग की, जो देवों में भी होता है नारकी में होता है, पर नारकी को नहीं लेना, अकेले देव को लेना। तो देव में वेद कौन से होंगे? स्त्री और पुरुष हुए, इसलिए यहाँ उसके भंग अलग लाएंगे, बारह योग को अलग लेंगे, वैकृत मिश्र के योग अलग, उसके योग अलग लिखे, वेद उसके अलग लिखेंगे, बराबर। तो इसलिए कि बारह योग क्यों लिया, वैकृत मिश्र की बात अलग से उसमें ऐड करेंगे। इनको परस्पर गुणा करने पर क्यों ये ध्रुव हो गए, उसमें 63 वाले भंग भी छोड़े और वो भय जुगुप्सा वाले भी छोड़ दे, 1728। और वैकृत मिश्र में नपुसक वेद नहीं है, क्यों नहीं है? नरक में नहीं जाता, तो कोई मनुष्य 3 इंच में आ सकता है कि नहीं नपुसक वेदी में? क्यों नहीं? मनुष्य 3 इंच में नपुसक वेद के साथ आ सकता है कि नहीं सकता? अरे वहां औदारिक मिश्र होगा, वैकृत मिश्र में नपुसक वेद नहीं है, औदारिक मिश्र में है कि नहीं है? उसका निषेध नहीं किया, औदारिक मिश्र को ऊपर 12 में ले लिया है। सासादन सहित जीव कौन से गति में जा सकता है? देव में भी जा सकता है, मनुष्य में भी आ सकता है, और 3 इंच नरक में नहीं जाता। तो औदारिक मिश्र में तो तीनों वेद ले लेंगे, बाकी सभी योगों में लेंगे, परंतु वैकृत मिश्र में नरक में नहीं जाता, देव में ही जाता है, क्योंकि वैकृत मिश्र या देव के होगा या नारकी के होगा, तो वैकृत मिश्र को तो ले रहे हैं, तो वेदों को कौन से लेना, स्त्री या पुरुष? इसलिए उसकी बात बताइए अलग से। तो कहते हैं वैकृत मिश्र में नपुसक वेद नहीं है, क्यों नहीं है, समझ में आई बात? सासादन वाले को नपुसक वेद नहीं है ऐसा नहीं कहा, सासादन वाला मरकर नपुसक वेद में नहीं जाता ऐसा नहीं कहा, समझ में आती है बात? सासादन वाला मरकर नपुसक वेद में जाएगा तो कहाँ उत्पन्न हो रहा है? मनुष्य 3 इंच में उत्पन्न हो सकता है, उसके लिए निषेध नहीं है, नरक में जाने का निषेध है। इसलिए इंद्रिय 6, कषाय 4, वेद 2, युगल 2, योग 1 को परस्पर गुणा करने पर 96। अभी कहीं खाली पढ़ने से नहीं समझ में आता, तो हम यहाँ चार्ट पर देखेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं चार के ऊपर, देख लेते हैं। देखो ये सासादन के भंग देख रहे हैं हम।
शासन में मिथ्यात्व को नहीं लिया है। मिथ्यात्व स्टार्टिंग कहाँ से हुई? असंयम से। असंयम में पहले कौन से? वो इंद्रियादि को लेना, इंद्रिय मन वगैरह छे लिया। अब भंगों को बाद में देखेंगे, बाद में हम गुनाह करेंगे। कषाय चार प्रकार के है ना, चार चार। वेद तीनों, युगल दो, और योग कितने लिए? बारह ही लिए। क्यों? हमको तीनों वेद सहित बारह ही योग लेना है। कौन सा योग छोड़ा इसमें? वैक्रेक मिश्र को। आहारक को तो छोड़ ही दिया, लिया ही नहीं उसको। आहारक भी को तो लिया ही नहीं है, आहारक आहारक मिश्र को तो लिया ही नहीं है, परंतु तो ये बारह को यहाँ लिया। तेरह के बदले यहाँ बारह को ही लिया। वैक्रेक मिश्र को छोड़कर बारह को लिया। वैक्रेक मिश्र का हिसाब अलग से बताएंगे। तो यहाँ भय जुगुप्सा के चार होते। अभी इसमें भंग वाले चार है और 63 है, इसको छोड़ना, तो उसको क्या कहेंगे? ध्रुव गुण्य। तो ध्रुव वैक्रेक, अभी वैक्रेक मिश्र के भी बता दिए यहाँ पर। वैक्रेक मिश्र में नरक बिना लिया। नरक बिना का अर्थ क्या है? देव होगा। हाँ, तो असंयम के 6 है, फिर 63 भंग हो जाएंगे, कषाय भी 4 है, वेद 2 ही लेना है। यहाँ तीनों वेद नहीं लेना, देव में स्त्री और पुरुष 2 ही होंगे, और फिर युगल 2, योग 1 ही जो वैक्रिक मिश्र है, और उसकी टोटल यहाँ करेंगे, फिर 4 भंग भी बताएंगे। अभी उसमें 2 लाइन हमने अलग अलग बनाई थी, 12 योगों की बात अलग, वैक्रिक मिश्र की अलग। तो दोनों के जो ध्रुव गुण्य उसकी भी बात बताएंगे। तो ध्रुव गुण्य कैसे हो गए इसमें देखना है पहले। ऊपर 12 योगों में इसमें ध्रुव क्या है? 6, इसको लिया 6 को। 4 प्रकार के है, कषाय क्रोध मान मायलो भी यहाँ लिया। 3 वेदों को यहाँ लिया, युगल को यहाँ लिया और योगों को यहाँ लिया। इनकी टोटल ने गुणा करना, आपस में गुणा करना। गुणा करने के बाद आएंगे 1728। इसमें से क्या छोड़ा था? एक वैक्रिक मिश्र को हमने छोड़ा था, तो वैक्रिक मिश्र में क्या लेना है यहाँ पर? ये 6, ये 4 जो ध्रुव है, भंगों को छोड़ दो, वेद 2 ही लेना है, ये यहाँ की विशेषता है। और फिर युगल को भी 2 ही लेना है, और योग 1, वैक्रिक मिश्र 1 ही लेना। इनका परस्पर गुणा करेंगे, 6 × 4 × 2 × 2, तो ये कितने आए? 96। पहले कितने निकाले थे यहाँ इनको गुणा करने से? 1728, और ये 96, टोटल 1824 हुए। अभी क्या छोड़े थे हमने? वो भंग वाली बातें छोड़ी, जिसको कहेंगे अध्रुव गुणकार, उससे गुणा करेंगे। तो 1824 × 63, ये 63 छोड़े थे ना, और गुणा 4, ये वाले 4, तो सांसादन के टोटल भंग कितने होंगे? 4,59,648। ये किसके हो रहे हैं? सांसादन के, क्योंकि उसमें एक योग अलग लिखकर, क्योंकि वो वेद उस पर्टिकुलर योग में वो वेद नहीं होगा, नपुसक वेद, इसलिए उसके अलग से टोटल करके उसके लास्ट में उसको गुणा कर दे। इसमें कोई प्रश्न है क्या? समझने में बहुत कठिनाई आ रही है। हाँ, समझ। देखो, ये फिगर्स तो याद में नहीं रखना है, हमने कैसे निकाले हैं वो बात ख्याल में रखना है। करना नियोग में बहुत टेंशन मत रखो कि कैसे याद करेंगे, बिल्कुल रटना नहीं, रटने की बात ही नहीं है, समझने की बात है। समझते हैं तो याद रहे तो रहे, नहीं तो नहीं रहे, उसकी चिंता मत करना। अरे हमको याद होगा तो क्या होगा, उसमें क्या है? एक शोषण से कुछ नहीं होने वाला है। हा? अपने स्वभाव की बात है क्या? स्वभाव हर एक के पास समान है कि कोई हिना दिख है? समान है। अब ये बातें आपकी दुनियादारी की बातें, अन्य चीज याद रहती होगी, हम उसके बारे में बुद्धू है कुछ नहीं समझते है ना। तो हाँ, पर दोनों के आदि पहले हमने उसके रहित और सहित के ध्रुव गुण्यों की टोटल की थी, बाद में उसको गुणा किया था। और हमने जो पुस्तक में देखा था उसको पहले
पहले उसको मल्टीप्लाई कर लिया था और बाद में हमने उसको केवल 4 से गुणा किया था। यह पहले गुणा करके इकट्ठा करो और बाद में 63 से गुणा करो, एक ही बात है। या पहले अलग अलग से 63 से गुणा करो और फिर बाद में उसके टोटल करो, बात एक ही आने वाली है, उत्तर तो वही आने वाला है। गणित में कोई डिफरेंस पड़ेगा नहीं, आप पहले मल्टीप्लाई करो बाद में करो, बात एक ही होने वाली है। समझ में आती है बात? इस तरह से शासाधन में भी देखा। हाँ हाँ हाँ, जरा प्रश्न देखो, सुन मिश्रम के बारे में। अनंतानुबंधी नहीं है, वहाँ चारित्र कहाँ है, क्योंकि वहाँ सम्यक तो ही नहीं है। मिश्र गुण स्थान है, वहाँ तो सम्यक है ही नहीं ना, सब जात्यंतर परिणाम है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र तीनों ही नहीं है, तो स्वरूपाचरण चारित्र भी नहीं मानेंगे, वहाँ मिश्र कहेंगे। ज्ञान को भी मिश्र कहा है। अब ये अपना विषय यहाँ नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब दो चार प्रश्न है उसको लेके हम जाएंगे। शासाधन के भंग हमने देखे थे टोटल, याद है ना? हाँ, अभी हम आगे बढ़ने के पहले, यानी मिश्र के देखने के पहले थोड़ा हम यहाँ पर प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो एक प्रश्न है, कर्णानुयोग का यह विषय सूक्ष्म विषय कौन से ज्ञान का विषय है? विकल्प है वह सम्यक मति, हाँ सम्यक श्रुत, क्या ये हो सकता है? क्या मिथ्या मति, मिथ्या श्रुत, ये हो सकता है? देखो, मिथ्या दृष्टि को कितने अंग और पूर्वों का ज्ञान हो सकता है? 11 अंग 9 पूर्व। तो सम्यक दृष्टि को भी ये ज्ञान होगा और मिथ्या दृष्टि को भी होगा, समझ में है ना? और वो क्या फर्क है? फर्क क्या है उसका? आत्मज्ञान बिना ये शास्त्र का ज्ञान हो रहा है, और जो सम्यक दृष्टि है वो सम्यक मति श्रुति ज्ञान में आत्मा का ज्ञान तो है ही है, उसके साथ ये ज्ञान हो रहा है उसको। हाँ, उसको तो बिल्कुल, उसको वेद ज्ञान तो उस समय भी वर्त ही रहा है, आत्मा का ज्ञान तो नष्ट नहीं होता, शास्त्र का ज्ञान है तो उसमें उसके सही पकड़ में आ रहा है, इस इतनी बात ले सकते हैं। तो यहाँ आगे बढ़ते, दूसरा प्रश्न, 11 अंग और 9 पूर्व में वही प्रश्न है, कौन सा पूर्व का ज्ञान लेना, दृष्टिवाद के पूर्व का ज्ञान लेना कि अंग बाह्य क्या का ज्ञान लेना? तो अंग बाह्य में कोई पूर्व नहीं होते, 11 अंग और 9 पूर्व कहते हैं, तो 14 पूर्व कौन से अंग में होते हैं? 12वें अंग का भेद है वो, 12वें अंग के जो 5 अलग अलग भेद देखे थे उसमें एक पूर्व जो है, पूर्वगत जो बताया है उसमें 14 पूर्व होते हैं, उसमें से 9 पूर्व लेना, अंग बाह्य में कोई पूर्व है ही नहीं है। अनादिबंध और ध्रुवबंध का अंतर है, क्या अंतर है? देखो, अनादिबंध और ध्रुवबंध इतना कहने से नहीं चलेगा, ये बंध की बात आप अनादि या जो अध्रुव ध्रुव की बात कर रहे वो तो प्रकृति बंध में कर रहे, प्रदेश बंध में कर रहे, स्थिति बंध में कर रहे, क्या अनुभाग बंध में, उसमें भी उत्कृष्ट का बंध कर रहे, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट का कर रहे कि जगन्य अजगन्य का कर रहे, इतनी सब बातों करेंगे तो फिर उसमें अनादि और ध्रुव की बात करेंगे। अनादि यानी जो अनादि से वैसा का वैसा होता है उसको अनादि का कहेंगे, जैसे ज्ञानावरण का जो बंध हो रहा है कैसा अनुभाग का या स्थिति का कहो, तो उत्कृष्ट स्थिति मिथ्या दृष्टि को बंधेगी, क्या अनादि से उत्कृष्ट बन रही है? कभी उत्कृष्ट कभी अनुत्कृष्ट भी बनती रहेगी, है ना? अब जघन्य कब बंधेगी उसकी स्थिति, अनादि से बंधेगी? अरे जघन्य स्थिति जाके बंधेगी 10वें गुणस्थान में, तो अनादि से अजघन्य थी, अनादि से अजघन्य थी, फिर अजघन्य को ध्रुव किसको कहेंगे? जो अभव्य है, जो कभी ऊपर जाने वाला ही नहीं 10वें गुणस्थान में, उसको क्या होगा? अजघन्य ही चालू हो जाएगा। इस तरह से वो विषय पूरा जुदा है, और हमने कर्मकांड के 2 शिविरों में भी उसको लिया था, है ना?
एकेंद्रीय जीव को त्रसे हिंसा का विकल्प किस प्रकार समझे, यह प्रश्न है। एकेंद्रीय जीव को त्रसे हिंसा का विकल्प किस प्रकार समझे, तो एकेंद्रियों के विकल्प आप कैसे समझ सकते हैं, मेरे ये प्रश्न है। उसमें भी क्रोध मान माया लोभ हो रहा है, उसमें भी हास्य रति और अतिशोक हो रहा है, उसमें भी सारी बातें हो रही है, तो वो कैसे समझ रहे हैं। लोग पूछते ना, वो तो पुण्यों के परिणाम यानी कैसे करता होगा, क्योंकि इतनी पुण्य प्रकृति भी बांधता है ना, और पाप कैसे करता होगा, ये कैसे करता होगा तो हम क्रिया में ढूंढते हैं। तो यहाँ पर भी त्रस हिंसा है ना, वो किस तरह से वो क्या करता होगा, पेड़ नीचे गिरता है तो होती होगी हिंसा, उसको लेना है, क्यों नारियल गिरता है किसी के सिर पर तो लेना है। हाँ वायरस चालू हो रहे, दो कुछ चिंता नहीं है। अरे पर उसका परिणाम थोड़ा ही है, वो तो अपने चल रहा है उसका, ये उसके अभी उसके अवृत्ति से विरति हुई नहीं है ना, तब उसके है वहाँ पर। इस तरह से चारों कषाय कैसे डिस्क्राइब करेंगे उसको, क्रोध मान माया लोभ कैसे डिस्क्राइब करेंगे। केवली के ज्ञान में तो आता ही है, स्थावर नाम कर्म का बंध होता है तो पृथ्वी आयु वायु आदि सब प्रकृति का एक साथ होता है कि एक काल में एक का बंध होगा। बिल्कुल एक काल में एक का ही बंध होगा, क्योंकि केवल वो तो हमने 93 भेद किए तो उसमें स्थावर का नाम किए दिया, अब उसके असंख्यात लोक प्रमाण भेद हो गए तो उसमें सारे अलग अलग भेद हो गए ना। स्थावर कहने से उसमें ये पांच अलग अलग भेद भी हो जाएंगे, एकेंद्रीय जाति कहने से भी उसमें कुछ अलग अलग भेद हो जाएंगे, तो यथायोग्य उसका बंध होगा। क्षोभम सम्यक्व लेकर है ना, भोग भूमि में जीव जा सकता है, बिल्कुल नहीं जा सकता। भोग भूमि में जाकर सर्वोपम सम्यक तो प्राप्त कर सकता है, कोई प्रथमोपम भी कर सकता है, उसमें कोई ना नहीं है, परंतु क्षोभम सम्यक के साथ, क्योंकि भोग भूमि की आयु बांधता कौन है पहले ये नक्की करो। देव के नारकी मनुष्य और तिर्यंच, भोग भूमि की आयु मनुष्य और तिर्यंच बांधते कौन, मिथ्या दृष्टि। अब वो सम्यक तो लेकर कैसे जा सकते हैं, तो मिथ्या दृष्टि है, उसने आयु बांधी भोग भूमि की बांधी, बाद में वो सम्यक तो प्राप्त कर सकता है, कौन सा करेगा, औषमिक करेगा, क्षौषमिक भी कर सकता है, शायिक भी कर सकता है, तो क्षौषम सम्यक तो लेकर वो भोग भूमि में जा नहीं सकता, तो क्या होगा, वो सम्यक तो से गिर जाएगा, मिथ्या तो को लेकर वहाँ चले जाएगा, और वो अगर जो क्षायिक हो जाता है तो क्षायिक के साथ भोग भूमि का मनुष्य तिरंच होगा। वेदक यानी क्षोभम सम्यक तो लेकर वो भोग भूमि में यहाँ से जा नहीं सकता, एक बात। क्रोध के साथ हास्य और रति का उदय हो सकता है, अभी हमने भंग देखे ना विकल्प, बिल्कुल हो सकता है, सब पॉसिबिलिटी ले ली हमने, ये तो प्रश्न हो गए। हाँ अभी हमने मार्गणों में तो देखे नहीं, हमने गुणस्थानों में देखे थे, पहले हमने जो सारे प्रत्यय लाए थे ना वो मार्गणों में लाए थे, आपको याद होगा, तो अब इसको भंगों को मार्गणों में लाना है, और आपने पूछा है एकेंद्रिय का, अभी एकेंद्रियों में लगा लो आप, एकेंद्रियों में मिथ्या तो कितने प्रकार के हो गए, पाँच, तो पाँच लिखो उसमें। असंयम कितने प्रकार के हो गए, कितनी इंद्रिया है, एक इंद्रिय संबंधी अविरति होगी, और छह कायों के वो 63 भंग वहां पर भी हो गए, उसको तो लेना है भंगों में, यानी ध्रुव में किसको लेंगे, अभी एक इंद्रिय की बात हम सोच रहे हैं, मिथ्यात्व को पांच है, वो ध्रुव गुण्य में ले लेंगे, पांच प्रकार के मिथ्यात्व। असंयम में एक ही इंद्रिय संबंधी अविरति, क्योंकि एक इंद्रिय ही है तो उतनी उसकी अविरति होगी, पर काय हिंसा के सभी भंग हो गए। कषाय चार प्रकार, क्रोधमान माया लोभ, वेद एक नपुसक वेद, फिर युगल में हास्य रति और अतिशोक, अब योग कितने हो गए, कारमान औदारिक मिश्र और औदारिक काय, तीन ही हो गए। अब ये जो ध्रुव है भाई जुगुप्सा के भी चार भंग हो गए, ये ध्रुव का भी गुणाकार करो और बाद में 63 और 4 से गुणा करो,
करो अभी। देखो मिथ्या तो पांच लिए थे, इंद्रिय एक ही लिया था, त्रेसर भंग तो बाद में हम गुणा करें, त्रेसर और चार से बाद में गुणा करेंगे, ध्रुव से पहले लेना। आपने आपको एक इंद्रिय के लाना था, तो एक इंद्रिय में मिथ्या तो पांच प्रकार का, इंद्रिय असंयम एक ही प्रकार का है ना। कषाय क्रोध मान माया लोभ चार प्रकार के हो गए, वेद एक नपुसक वेद ही होगा, युगल दोनों ही हो गए, और योग कितने देखे हमने, तीन हो गए ना, कारमान औदारिक मिश्र और औदारिक, इतने हो गए। तो कितने हो गए, पांच गुना चार पच्चौक बीस, भाई जुगुप्सा के भंग हमने अलग लिखे, त्रेसठ और चार अलग रखो। ध्रुव पुण्य देख रहे हम, ध्रुव पुण्य में कितने हैं, पच्चौक बीस, बीसा पंचे बीस और छ, बीस दुनी चालीस, चालीस त्रिक एक सौ बीस हो गए, एक सौ बीस ध्रुव पुण्य हुए, एक सौ बीस मल्टीप्लाई बाय त्रेसठ मल्टीप्लाई बाय चार, हाँ कितने हुए, तीस हजार दो सौ चालीस, वो एक इंद्रियों के भंग हो गए। अब द्विंद्रियों में क्या बढ़ेगा, वचन योग भी बढ़ेगा, एक वचन योग और एक इंद्रिय बढ़ेगी, तो योग में तीन के जगह यहाँ पर पांच योग लेना पड़ेगा, इस तरह से निकालना है। ये मार्गणा की बात हमने आपको जो दिखाई थी और हमने चार्ट भी बना के सिखाई थी, उसके द्वारा हम ये सबको डिराइव कर सकते, हमको तो डिराइव करना आना चाहिए मार्गनाओं में। हाँ चार ही योग किसमें, द्विंद्रिय में वचन का अनुभव होगा एक, और ये तीन, हाँ चार योग हो जाएगा। आपके पास है ना मार्गनाओं के चार्ट्स, कितने हैं और कितने नहीं है, उसके आधार से आप इसको बिल्कुल ला सकते हैं, उसमें कितने भंग है कहाँ कहाँ, और जहाँ वो त्रेसर भंग होते हैं कहाँ कहाँ हो गए, पहले दूसरे तीसरे चौथे गुणस्थान में त्रेसर भंग हो गए, पांचवें गुणस्थान में इकतीस भंग हो गए, गुणस्थानों की अपेक्षा ऊपर तो अविरति होगी ही नहीं, तो केवल वो भाई जुगुप्सा के चार चार भंग हो गए, इस तरह से उसका संख्या उसकी संख्या निकालनी है। तो अभी हमने सासाधन के भी भंग देख लिए थे, है ना। अब यहाँ जरा देखते पेज नंबर 702 पर, कोई प्रश्न है क्या, हाँ मिथ्या तो कहा, वहाँ पाए जाते हैं भले संस्कार रूप है परंतु उसका स्वीकार है, जब एकेंद्रिय कहते हैं तो एकेंद्रिय उनके भेदों की यहाँ चर्चा नहीं है, एकेंद्रिय इन जनरल लेना है, एकेंद्रियों में स्पेसिफिक की बात नहीं लेनी है आपको, जब एकेंद्रिय कहते तो सारे एकेंद्रिय उसके अंदर आ गए, किसी के होगा तो भी उसको लेना है, इसको है या नहीं है वो संस्कार की बात वहाँ नहीं पाई जाएगी। हमारा यहाँ नित्य निबोध वाली कोई मार्गणा नहीं है, हम जिस मार्गणा की बात कर रहे हैं उस मार्गणा कहाँ कहाँ है उसकी बात लेना है, जहाँ किसी के होगा उसको ले लो, जिसको नहीं है उसको मत ले लो। अब यहाँ पेज नंबर 702 पर मिश्र की बात हम देखते हैं, सम्यक मिथ्यात्व में भंग देखना है। सम्यक मिथ्यात्व में पहला अक्ष कौन सा होगा, इंद्रिय का होगा, इंद्रिय असंयम का, उसमें छह प्रकार पाए जाते हैं, है ना। त्रेसर भंग तो होते ही होते हैं, फिर कषाय क्रोध चार है, पर वो तीन प्रकार के क्रोध या तीन मान या तीन माया और तीन लोग, इसलिए चार लेना, अनंतानुबंध है नहीं फिर भी नंबर चार ही लिखो, क्योंकि चार अलग अलग विकल्प है वहाँ पर। वेद तीनों है, युगल दो है, योग दस होते हैं, भाई जुगुप्सा के भी चार भंग हो गए, ये त्रेसठ और चार को हम अलग रखेंगे। तो ध्रुव पुण्य क्या होगा, देखो पहले में पहले हम यहाँ देखते हैं ध्रुव पुण्य की तरफ देखते हैं, ये सम्यक मिथ्यात्व यानी तीसरे गुणस्थान के भंग है, स्टार्टिंग असंयम से होती है, तो छह प्रकार के जो इंद्रिय असंयम है जो है, यानी पांच इंद्रिय अनुमन इसको यहाँ लिया, ध्रुव चीज़ों को पहले लेंगे और ध्रुव को बाद में, ये भंग वाली चीज़ बाद में लेंगे। कषाय चार प्रकार यानी क्रोध मान माया लोभ तीन तीन प्रकार के हैं, फिर वेद युगल दो और योग यहाँ दस होते हैं क्योंकि वो अपर्याप्त अवस्था यहाँ नहीं होती, तो इसके 1440 एक ही हो गया, और उसमें
ये त्रेसर भंग है और यहाँ पर चार भंग है, तो त्रेसर और चार से उसको गुणकार करना है और ध्रुव गुणकार कह दिया। तो ये जो ध्रुव गुण्य है 1440 उसको त्रेसर से और चार से गुणा किया, सबकी जो गुणकार करके टोटल कितनी आई, तो 362,880। ये क्या हुआ, टोटल वहाँ के भंग। तो वहाँ का उसका उच्चारण कैसे कर किया हमने देखा था, हाँ, क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय पर पहले रखा, फिर अध्रुव में से वो पृथ्वीकाय को लेना, फिर एक एक को लेना, उसमें तीन क्रोध का धारक वगैरह वगैरह इस तरह से, वो तो कैसे कहना वो तो हमने देख लिया था, पर टोटल भंग कितने आते हैं उसकी बात हमने यहाँ पर देख ली है। अभी जो हमने अभी तक देखा है उसमें क्या प्रश्न है किसी का वो बताना। हाँ, हाँ, देखो सासादन को लेकर नरक में कोई नहीं जाता। तीन वेद कहाँ लिया, नारकी जीव सासादन प्राप्त कर सकता है कि नहीं, तो वैकृत कायोग को तो सभी लेना है तीनों, और वैसे नपुसक वेद तो मनुष्य तीन इंचों में भी होता ही होता है। वैकृत कायोग में हमने तीनों वेद लिए, क्यों, नारकी वैकृत कायोग वाला है उसके भी तो सासादन प्राप्त हो सकता है, परंतु वैकृत मिश्र में नरक में नहीं जाता। औदारिक मिश्र में मनुष्य तीन इंच में जाएगा उसको नपुसक वेद होगा, पर वैकृत मिश्र में या तो देव में या नरक में जाता है जीव, यहाँ नरक में नहीं जाता तो कहाँ जाएगा, देव में, तो देव में उसके दो ही वेद लिए, ये उसका अर्थ होता है। अब यहीं पर रुकते हैं हम। बोलो 2400 भगवान की जय।